हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी कच्चे आंबों की चटनी। आप इसको केरी की चटनी भी कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। आपने लेना है कच्चा आम, उसको अच्छी तरह से उसके छिलके आपने उतार लेने हैं। इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे इलायची, लौंग, काली मिर्च, कलवंजी और थोड़ा सा नमक हसबे ज़रूरत। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर जो आपने रॉ मैंगो लिया था उसको काट लेना है क्यूब्स में या स्लाइसेस में, जिस तरह से आपको इजी लगता है आप उसको कट करें और उसको उस पतीली में डालें। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे चीनी, इलायची और लौंग। तरह से मिक्स करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने रखना है पकाने के लिए, और ये खुद ही अपने लिक्विड में खुद ही पकेगी। आपने एडिशनल पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। गाइस चटनी हमारी बहुत ही थिक हो गई है, इसको आपने लेकिन मज़ीद पकाना है। बट इस स्टेज पर अब हम ऐड करेंगे कलवंजी। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगा हसबे ज़रूरत नमक और काली मिर्च। हमारी चटनी ऑलमोस्ट रेडी है, बट अभी इसको एक से दो मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है ये, और इसको आपने इसी तरह ही फॉलो करना है रेसिपी को। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा, जब इस तरह से इसकी थिकनेस हो जाए दैट मीन्स आपकी चटनी रेडी है। अब आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। गार्निशिंग आप कर सकते हैं बादाम स्लाइस्ड या ड्राई कोकोनट के साथ। आप अपनी मर्जी से मज़ीद ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपको टेस्ट में अच्छा लगे। तो दिस वॉज इट फॉर माई टूडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। आई विल सी यू पीपल इन नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।